जेल में हेमंत सोरेन, झारखंड में किसकी सरकार। जबरदस्त गहमा गहमी के बीच झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची के होटवार जेल भेज दिया गया। इधर झारखंड टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या जेएमएम के वरिष्ठ और फायर ब्रांड नेता चंपई सोरेन के लिए सरकार बनाना इतना आसान है जितना वो दावा कर रहे हैं। कल हम लोग 8:30 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। केवल 30 ML हैं, 18 ML उनके खिलाफ है। और राष्ट्रपति शासन लगेगा सर? मुझे नहीं पता, लेकिन शिबू सोरेन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका पत्र अभी तक गवर्नर को नहीं गया है और मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शिबू सोरेन जी को बुलाकर जब तक बात नहीं करें तब तक किसी को वो बुलाए नहीं। 41 का खेला, बहुमत का बाजीगर कौन? चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन के दावे वाला पत्र राज्यपाल को सौंपा था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को लिखे पत्र में चंपई का दावा है कि वो आसानी से झारखंड में सरकार बना लेंगे और उन्हें कई दलों का समर्थन मिला हुआ है। जरा देखिए जीएमएम क्या दावा पेश कर रहा है। जीएमएम का दावा है कि उसके पास 80 में से 47 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से 43 विधायकों का साइन किया हुआ समर्थन पत्र भी है जो राज्यपाल को दिया गया है, जबकि झारखंड सरकार बनाने के लिए केवल 41 विधायकों की जरूरत है। यानी जीएमएम के दावों के मुताबिक उसके पास बहुमत से ज्यादा 6 विधायकों का समर्थन है। सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने पहुंचे चंपई सोरेन के साथ उनके गठबंधन दल के विधायक भी मौजूद थे और साथ ही चंपई सोरेन एक वीडियो भी साथ लेकर पहुंचे थे, जिसमें तमाम विधायक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या चंपई सोरेन के लिए सरकार बनाना उतना आसान है? क्योंकि पार्टी और परिवार दोनों ही चंपई सोरेन के इस कदम से नाराज दिख रहे हैं। जमीन घोटाले में ईडी द्वारा हो रही जांच के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उत्साह नहीं दिखा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेताओं का सीधा हमला पिछले 4 साल से जारी है। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। एक माइनिंग लीज उन्होंने अपने नाम ही ग्रांट कर दी। आप मुख्यमंत्री हैं, आप माइनिंग मंत्री हैं और आपने एक माइनिंग लीज अपने नाम ग्रांट कर दी। इस पूरे मामले का किंग पिन कौन था जो भी जेल में है? पंकज मिश्रा। और पंकज मिश्रा कौन थे? इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इससे अधिक कुछ बताने की जरूरत है क्या? उड़ ना जाए एमएलए, पहरे में जीएमएम के विधायक। झारखंड में सियासी संकट के बीच खबर है कि झारखंड में महागठबंधन यानी जीएमएम, आरजेडी, कांग्रेस अपने विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर रही है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि कल सुबह से लेकर शाम के वक्त हम यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का फिर से गठन करें। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि एक हवाई जहाज विधायकों को सेफ जोन में ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। इधर विधायक दल के नेता चंपई सोरेन समेत 5 MLA रांची में ही मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के दावे हैं कि जीएमएम के 48-49 MLA हैं, लेकिन वो सिर्फ 42-43 का ही सिग्नेचर ले पाए हैं। यहाँ तक बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि सीता सोरेन, रामदास सोरेन बैठक में नहीं थे, कांग्रेस के कई नेता बैठक में नहीं थे। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि चंपई सोरेन के पास बहुमत नहीं है। 41 का खेला, बहुमत का बाजीगर कौन? और आपको दिखाते हैं कि झारखंड में नई सरकार कैसे बनेगी। झारखंड विधानसभा में इस वक्त जीएमएम और दूसरे दलों का संख्या बल क्या है, देखिए। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में जीएमएम के 29 विधायक हैं, बीजेपी के 26, कांग्रेस के 17, सीपीआईएमएल के 1 और आरजेडी के 1 विधायक हैं। इसके अलावा आजसू के 3, निर्दलीय 2 और एनसीपी का 1 विधायक है, जबकि 1 सीट खाली है।
अब ऐसे हालात में झारखंड में सरकार जीएमएम की बनेगी या फिर किसी और की, अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और जेल भेजने को लेकर जमकर सियासत शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन का जेल जाना जीएमएम के लिए बड़ा झटका है। अब ये भी जान लीजिए क्यों पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल में जाना पड़ा है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल क्यों भेजा गया और जमीन घोटाले के उन पर क्या आरोप हैं, जरा ये भी जान लीजिए। रांची में पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को होटवार जेल में एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हेमंत सोरेन का मामला घोटाले से मिली रकम का संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से जमीनों पर परिवार और करीबियों का नियंत्रण करवाया। जांच अधिकारियों के सवालों का सीधा जवाब हेमंत सोरेन नहीं दे रहे हैं। मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और तत्कालीन डीसी छवि रंजन के साथ सोरेन के संबंध हैं। अवैध खनन में जांच के दौरान हेमंत सोरेन की भूमिका का सामने आना उनकी गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की वजह बना है। सोरेन के करीबी अमित अग्रवाल सोरेन के करीबियों की ब्लैक मनी को मैनेज कर रहे थे। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भुयारी जमीन क्या जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल झारखंड में क्या होता है। क्या जीएमएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना पाएगी या फिर कोई और खेला होगा।